हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और सीयूटी पीजी 2024 की बहुत बड़ी अपडेट। सबसे पहले महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट किया था। अब दोस्तों तेजपुर यूनिवर्सिटी ने भी अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, इस वीडियो को ध्यान से अंदर देखना। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर कैसे काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने अपने फॉर्म में तेजपुर यूनिवर्सिटी को चूज़ नहीं किया था वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, सीधे हम लोग आते हैं दोस्तों अपने तेजपुर की वेबसाइट पे। ठीक है दोस्तों, ये है आपकी तेजपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ठीक है, इसको आओगे, ओपन करोगे, नीचे आप लोग देखोगे एडमिशन नाम से दिया होगा TUEE 2024। इसको ओपन कर लेना। जैसे ही इसको ओपन करोगे आपके सामने पूरी गाइडलाइन ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो कि अब यहाँ पर एडमिशन कैसे हो। अगर आपने तेजपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपके ये फॉर्म का फीस कितना है। अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था, ठीक है, तो भैया आपका एग्जाम फॉर्म कितना है। ठीक है, जनरल ओबीसी एनसीआई के ये 600 रुपये है, जो बच्चे सीयूटी पीजी के थ्रू आए हैं। ठीक है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की ये 300 रुपये है। ठीक है, एप्लीकेशन को बोला गया है कि आपको ध्यान से सब कुछ पढ़ना है एंड दोस्तों आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, फीस पेमेंट नहीं करोगे तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। आप सुनियो दोस्तों, सीयूटी पीजी में जिस भी यूनिवर्सिटी की आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा उसके वेबसाइट पर जाके उसका फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन फोटो, जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट हैं। ठीक है, फिर दोस्तों कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कि आपका है। ठीक है, अगर आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट अंडरटेकिंग, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर अगर आप क्वालिफाई करे हो अभी, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम में हो तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हो गया। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट यानी कि बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेप्स क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पूरा, पहले आपके डैशबोर्ड पे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, एडमिशन आपको क्राइटेरिया चूज करना होगा। ठीक है, आपको प्रेफरेंस चूज करनी होगी अपनी। ठीक है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस एंड एकेडमिक डिटेल्स को भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को दोस्तों अपलोड करना होगा, यहाँ पे देख लो। फिर आपको पेमेंट करके फाइनल सबमिट करना होगा, प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों रखना होगा। ठीक है जी, ओके, एडमिशन के टाइम पे आपके ये फाइनल प्रिंट आउट काम आएगा। एंड दोस्तों ये है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, पीएनजी, जेपीजी, जेपीजी। ठीक है, ये बता दिया कितना कितना चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ दिया हुआ प्रोसीड, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना, आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बस केवल फॉर्म को यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्म है, ऐसा बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, आप आराम से भर सकते हो। बट ध्यान रखना कि फीस आपकी 600 रुपये आ गई है, इस बात को ध्यान में रख के फॉर्म भरना। ठीक है, एंड दोस्तों बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। जिनके मार्क्स कम आए हैं, वह जिनको लगता है कि मार्क्स कम आए हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में ट्राई जरूर से करना। ठीक है, एंड दोस्तों सीयूटी पीजी की हर अपडेट की है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स आएंगी काउंसलिंग कट ऑफ आपको टाइम से यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, ऐसे अपडेट्स के बने रहिए। थैंक यू सो मच।